मोनू भंडाकर। अच्छा वो लंबे बाल वाला काला इंसान है वो। हाँ वो। अच्छा, तो ये भाई साहब और ये सब एक ही ग्रुप के हैं। ये भाई हरियाणा से हैं, 150 वाइन शॉप है भाई की। हरियाणा में 150 वाइन शॉप है इनकी। हाँ भाई, भाई सच बता, कितना पैसा तूने गवर्नमेंट को खिलाया उसके बाद तूने वाइन शॉप के लाइसेंस लिए? भाई पैसा खिलाने की जरूरत है कोनी, अपनी बराबर में कोई फार्म ही ना भर सकता भाई, मैं भाई। तो माल खिलाने के बाद ही लीगल लाइसेंस मिलता है छोटू, तू झूठ मत बोल। अब भाई एक बात बताऊं, यार लाइव चल रही है पनोड़ी भाई, कोई फार्म ही नहीं भर सकता हमारी बराबर में जब हम अपना फार्म लगाएंगे तो। नहीं किसी की तनी औकात है कि कोई फार्म भर देगा हमारे बराबर में। अच्छा तो ये तो भाई वो बात हो गई कि आप इलेक्शन में खड़े हो, मतलब कि इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है। 68 से ज्यादा मर्डर है भाई ओनली मेरे पे, 302 के मुकदमे है मेरे पे सारे। भाई मेरे तो टट्टे सुकड़ गए, मेरे तो टट्टे सुकड़ गए अभी नहीं भाई। भाई लेकिन तेरा नाम इतना गंदा क्यों है रे छोटू? तू इतना बड़ा क्रिमिनल है लेकिन तेरा नाम इतना, ऐसा कोई बहुत ऐसा कोई प्यार, ये पनोड़ी भाई जी, ये प्यार का नाम है अपना, कि मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटा हूँ और दलाल हमारा सरनेम है। नहीं, नहीं सरनेम तो इट्स ओके, सरनेम तो चाहे जो भी हो बड़े भाई, सॉरी छोटे भाई। भाई भाई आपने 68 को लुढ़का दिया। हाँ, ये देख भाई तेरा भाई जेल में भी ऐसे ही रहता था, देख दिखाता हूँ। देख हुक्का वगैरह जेल में भी था, मैं हुक्के बिना ना। राइट राइट ये अपना छोटा है भाई, चारा है भाई, और कुछ नहीं है। वाओ होगी ये देख लो। हमसे पंगा लेना हो तो घर वालों के साइन करवा लियो, हमसे पंगा लेना हो तो पहले घर वालों के साइन करवा लियो, छोड़ना तो भूल। भाई आपका तो तगड़ा सिस्टम लगा है यार छोटू भाई, मुझे देख भाई मनोज भाई, ये इनका नाम ही काफी है, छोटे भाई का नाम ही काफी है। भाई मुझे तो पता नहीं था कि छोटू भाई क्लब वगैरह जाते हैं भाई, जल्दी है तो भी। ये कोई अपना प्रोग्राम होता है जबकि ये कहीं प्रोग्राम में जाते हैं, जब दिखी करता हूँ भाई आपको, ये जब कहीं कोई प्रोग्राम होता है पनोड़ी भाई। लेकिन भाई मैं कभी बोलता नहीं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं, जो भाई बोलता है उसको वही बोलता हूँ भाई, मैं यही हूँ अरे कभी छोटू भाई, बोले तो। लेकिन आपकी शक्ल देख के मुझे लगता नहीं है कि आपने 68 लोगों को आपने लुड़का दिया है। भाई मेरे बारे में गूगल बता देगा आपको, अरे नहीं नहीं लेकिन आपकी शक्ल यार बहुत ही भोली भाली लग रही है मुझे, मैं बोल रहा हूँ। पता भाई वो क्या होते हैं, कुछ हालात और मजबूरी होती है बड़े भाई। आपने, चलो आपने भाई, भाई है हमारे भाई। से आपने इनसे तू करके तो बात कर ली, वैसे कोई करता नहीं इनसे भाई। भाई उनके 117 स्टोर है इंडिया में है, तो भाई मेरे भी 217 स्टोर है अमेरिका में, तो मैं भी कोई कम चीज
चीज नहीं हूँ। उन्होंने जितने क्राइम कर रखे हैं वो भी सारे क्राइम मैंने अमेरिका में कर रहे हैं। भाई जी गूगल कर लियो मेरा भी नाम, और आप भी टाइम सुनो और न्यूयॉर्क टाइम्स में भी देख लियो भाई, मेरी बात सुनो। भाई आपका सिस्टम वहां पे तकड़ा है, मेरा सिस्टम यहाँ पे तकड़ा है भाई। यहाँ भी तेरा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, भी घर तेरा ही है। अरे नहीं अभी तेरा ही है। अरे नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं मैं भाई छोटू भाई मैं बता रहा हूँ भाई। छोटू भाई देखो मैं मस्ती मजाक वाला आदमी हूँ, ठीक है, मैं सबसे मजाक मस्ती करता हूँ, लेकिन ना तो मैंने अच्छी बात है बड़े भाई। हाँ तो आप जब भी मुझे लाइव में मिलोगे आपको मैं ये नहीं मानूंगा आपके बहुत बड़े इंसान हो, मैं आपको ऐसे ही मानूंगा कि भाई आप मेरे जैसे ही दूसरों की तरह नॉर्मल बंदे ही हो। और मैं आपके ये भी मत मानना भाई, मैं बताऊँ मेरे को क्या मानना कि मेरा छोटा भाई है भाई, इसीलिए तो मैंने ऐसे बात की आपसे, वरना अगर मुझे पता होता कि भाई आप इतनी बड़ी हस्ती हो कि ये है वो है, ठीक है, तो शायद मैं आपके डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, सीधी बात है। बड़े भाई। देखो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, ये अपने मन की बात होती है भाई मैं आपके दोस्त मोनू से भी ऐसे बात करता हूँ, फिर आपका दोस्त वो क्या नाम है उसका अपना, वो जो वो बड़ा वाला ओम पहनता है यहाँ पे, नाम भूल गया, सचिन सचिन, हाँ सचिन से भी मैं ऐसे ही बात करता हूँ, सचिन से मोनू से अपने हिंदुस्तानी भाऊ, राइट, वो सब मुझे हाँ वो सब मुझे जानते हूँ, सबसे मैं ऐसे ही मस्ती मजाक से ही मैं बात करता हूँ। हाँ वो बात होती है बड़े भाई, आप फर्स्ट बार मिले, मानते हो इस बात को? नहीं नहीं फर्स्ट मैं तो यार आपको जानता ही नहीं था, दिल से नहीं जानता था मैं आपको। हाँ बड़े भाई पता है क्या होता है भाई, ये होता है कि हम एक दूसरे बंदे को जब तक ना जान ले तो हमको उसको बोलने का भी कोई हक नहीं। नहीं नहीं सही बात है, मैंने आपको जान लिया, पर लेकिन फिर भी मैं तो भाई मस्ती मजाक करूंगा छोटू भाई। अरे भाई तुम्हारा छोटा भाई हूँ, कुछ कर भाई, कैसी बात कर अपने पास भाई 8,000 गाय है भाई, जो सेवा सेवा के लिए रख रखी है। लेकिन छोटू जी एक बात पनौरी जी की मुझे अच्छी लगती है बहुत, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट ऑनेस्टली पनौरी जी, कि इनको पता है कि मैं मजाक करती नहीं हूँ, ना मैं रोस्टिंग करती हूँ, ना मैं किसी को गाली, मैं भी नहीं, मैं मजाक कुछ भी, तो इन्होंने मेरे साथ आज तक एक भी वर्ड नहीं किया है, ना ही मजाक भी नहीं, नहीं ऐसी पता है बड़े भैया अपना क्या है कि आप इस चीज में जाते को नहीं, क्योंकि दो कल इलेक्शन भी लड़ेंगे आने वाले टाइम में, तो ऐसे थोड़ा दुन गांव वाले भी देखे और आपको गांव के माहौल का पता होता है। हाँ समझ गया मैं, इसीलिए आप इस सारी चीजों से दूर रहे तो समझ गया। हाँ जी भाई मैं कभी कोई गलत बात नहीं बोलता बड़े भाई। लेकिन पनौड़ी भाई एक चीज आपने नोट करी, पेशेंस लेवल देखा, और कोई होता तो बड़ा वो आपने देखा, रिस्पेक्टफुली आंसर, इनका पेशेंस लेवल देख के मैं उनसे इंप्रेस हो गया, क्योंकि भाई आप में बहुत पेशेंस है, जो पेशेंस मेरे में है ना, आप मेरी वीडियो देखना यूट्यूब पे जाके, आप ऐसा बोल दोगे कि ये बंदे में कितना पेशेंस है। मैंने देखे वीडियोस, मैंने देखे हाँ वाले मैं देखती थी वो चीज।